हाय गाइस, नमस्कार। मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ इंस्टेंट चिकन की रेसिपी, जो कभी कभी बहुत ही जल्दी चाहिए होता है, तो फटाफट ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए बनाते हैं। इंस्टेंट चिकन बनाने के लिए मैंने लिया है चिकन तकरीबन 400 ग्राम, और मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, 400 ग्राम के करीब रफली चॉप्ड ऑनियन, एक होल लहसुन गार्लिक और रफली चॉप्ड 4-5 ग्रीन चिली, और मैंने मसाले लिए खड़े मसाले, दालचीनी, स्टोन फ्लावर, कार्डमम, लौंग और स्टोन फ्लावर। आपके पास और भी है तो आप और भी डाल सकते हैं। और मसाले के लिए मैंने लिए चिकन मसाला, घर का बना हुआ चिकन मसाला। आप कोई भी मार्केट में अवेलेबल मसाला ले सकते हैं। एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच रेड चिली पाउडर, नमक स्वादानुसार और एक चम्मच के करीब हरा धनिया, जीरा और तेजपत्ता और हींग। अब चिकन में मैं डालूंगी 2 चम्मच करीब दही, और जो भी मसाले, जो भी यहाँ पे मैंने लहसुन, ग्रीन चिली और प्याज, कटे हुए प्याज, बाकी जो मसाला है वो, अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दिया है। खड़े मसाले मैं तड़का लगाऊंगी। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैंने कुकर में डाला है तेल, उसमें डाला है थोड़ा सा घी। अब मैं इसमें डालती हूँ सारा खड़ा मसाला, जीरा, तेजपत्ता और बाकी ये जो मसाले मैंने रखे हैं सारा इसमें डालती हूँ। 2 मिनट जब तक ये कुक ना हो, थोड़ा सा कुक करते हैं। और इसमें डालती हूँ मैं थोड़ा सा हींग। अब मैं इसमें डालती हूँ चिकन जो मैंने मिक्स करके रखा है। अब इसको 10 मिनट के लिए मैं ऐसे इसमें भून के 10 मिनट तक फ्राई करूंगी। और जो मसाले लगे हुए हैं उसको मैं धो करके रख लूंगी। ग्रेवी डाल के टाइम ये भी मैं यूज करूंगी। 10 मिनट हो चुका है और इसको मैंने बीच बीच में चलाते हुए भून लिया है। ये ऑलमोस्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे तेल छूट रहा है। तो अब इस स्टेज पे मैं इसमें डालूंगी पानी, बाकी जो मसाले वाले पानी थे मैंने वो भी डाल दिया है, और मैंने थोड़ा सा पानी ऊपर से भी डाल दिया है, ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो पानी पानी हो जाएगा, फिर उसका ग्रेवी इतना शानदार नहीं लगेगा, तो पानी कम डालें। इतना पानी मैंने डाला है। अब इसको मैं करती हूँ बंद, और 4 से 5 सीटी या उससे भी कम, 3 से 4 सीटी के बाद मैं इसको बंद कर दूंगी फ्लेम को। तो लगभग 4 सीटी फुल फ्लेम पे से लगाना है। फ्लेम कर दिया है ऑफ। अब देखते हैं इसको, जब तक प्रेशर निकलता है उसके बाद इसको खोल के देखते हैं। प्रेशर निकल चुका है और इसको मैं अब ओपन करती हूँ। तो आपका ये तैयार है। अब इसमें मैं डालती हूँ हरा धनिया। अब आप इसमें 1 चम्मच घी में ये स्टोन फ्लावर है और गरम मसाले डाल सकते हैं पकाकर, पर मैं इसमें अवॉइड कर रही हूँ, थोड़ा सा मुझे ऑयल या घी कम खाना है तो मैंने अब नहीं डालूंगी, लेकिन आप चाहे तो डाल सकते हैं। ये स्टोन फ्लावर बहुत ही अच्छा स्मेल, अच्छा टेस्ट आता है इसमें। ये चिकन में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ये अब कहीं भी बिग बाज़ार या फिर कहीं भी हर जगह से मिल जाता है। ये इसका एक उडी स्मेल आता है जो कि चिकन में बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। तो आप यदि आप ट्राई कर सकते हैं तो ज़रूर करें, बहुत ही मज़ा आएगा। चलिए इसे सर्व करते हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।